हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नीलम कुकिंग रेसिपी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम चाइनीज डिश पनीर चिल्ली का रेसिपी लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर डिलीशियस रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं पनीर चिल्ली बनाने के प्रोसेस में। 300 ग्राम पनीर लिए हैं और पनीर को कोटिंग करने के लिए यहाँ हम 2 बड़ा चम्मच लिए हैं कॉर्नफ्लोर और 3 बड़ा चम्मच लिए हैं मैदा और यहाँ लाल मिर्च पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, इसे हम एक एक छोटी चम्मच यूज करेंगे। और पनीर चिल्ली का ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ हम 2 बड़ा लिए हैं शिमला मिर्च, इसे बड़ा बड़ा टुकड़ा में हम काट लिए हैं, और 2 प्याज भी लिए हैं, इसे भी बड़ा बड़ा टुकड़ा में काट लिए हैं, और यहाँ स्प्रिंग ऑनियन है, और यहाँ गार्लिक जिंजर है, इसे भी बारीक काट लिया है, और यहाँ 2-3 हरी मिर्च है, इसे भी बीच से कट लगा लिया है, और ये टमाटर है, इसे भी हम यूज करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी एक बार इसे डालकर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है पनीर चिल्ली। और यहाँ 1 छोटी चम्मच हम विनेगर लिए हैं, 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर सोया सॉस, 3 बड़ा चम्मच यहाँ टोमेटो सॉस, 2 बड़ा चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हम काली मिर्च पाउडर यूज करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ 1 छोटी चम्मच हम चीनी लिए हैं, इसे भी यूज करेंगे। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर और मैदा को एक बाउल में लेंगे, उसमें हम 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा घोल पतला नहीं करना है हमें, गाढ़ी घोल तैयार करना है। इस तरह से हम चम्मच के सहायता से मिक्स कर लेंगे इसे, देखिए इस तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए हमें घोल का। तो इसमें हम पनीर का टुकड़ा डालेंगे और इस तरह से कोटिंग कर लेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो पनीर फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर एक पैन गरम कर लिए हैं, इस पर हम तेल डाल लेते हैं। पनीर को हम सेलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम कोटिंग करके पनीर डाल लेंगे, जितना भी हमारा कढ़ाई में पनीर आएगा उतना डाल लेंगे इस तरह से, और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो इस तरह से चम्मच के सहायता से हम इसे पलट लेंगे आराम से। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारा पनीर चिल्ली का, वाओ बहुत अच्छा कलर आया है देखिए। तो इसी तरह से हम सारे पनीर को कोटिंग करके तल लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे और बाकी के पनीर को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो बची हुई तेल में हम लहसुन डाल लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए, और इसमें बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल लेंगे, हल्का सा इसे पकने के बाद इसमें ग्रीन चिल्ली भी हम डाल लेंगे। इन सबको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें हम हमारा जो प्याज और शिमला मिर्च है इनको डाल लेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, हल्का फ्राई करना है। थोड़ा सा इसे फ्राई करने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे, इसे भी हल्का सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार टमाटर डालकर आप पनीर चिली ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हम नमक डाल लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब सॉस डालेंगे, तो यहाँ मैंने सोया सॉस डाल लिया है, ग्रीन चिली सॉस भी डाल लिया, और टोमेटो सॉस भी डालेंगे, और यहाँ हम चीनी डालेंगे 1 छोटी चम्मच। चीनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पनीर चिल्ली में, तो एक बार ज़रूर डालकर ट्राई करिएगा। और यहाँ लाल मिर्च पाउडर भी हम डाल लेंगे 2 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालिए। इन सबको मिक्स करके हम 2 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर हमारा आ रहा है ग्रेवी में। तो 2 मिनट ये हमारा पक गया है,
तो इसमें हम वाइट विनेगर डाल लेंगे एक छोटी चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो ग्रेवी बढ़ाने के लिए एक चम्मच हम कॉर्न फ्लोर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे और ग्रेवी में डालकर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद आपको जैसा थिकनेस का ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो हम थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड किए हैं, आप अपने थिकनेस के अनुसार पानी ऐड कर लीजिएगा। और इसे हम 2 मिनट अब पकाएंगे। तो 2 मिनट हमारा ये पक गया है, तो इसमें हमारा जो पनीर है इसे डालकर मिक्स कर लेंगे। पनीर को डालने के बाद हमें पकाना नहीं है, सिर्फ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। तो अभी हमने गैस का फ्लेम बंद नहीं किया है। इस पर हम स्प्रिंग अनियन डालेंगे इस तरह से, इसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितना मज़ेदार हमारा पनीर चिली बनकर तैयार हो गया है, बाज़ार से भी बढ़िया। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, वाओ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है ये फ्रेंड्स ये पनीर चिली। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो इसे एक बाउल में हम सर्व कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। ऊपर से स्प्रिंग अनियन से गार्निशिंग कर लेंगे। तो एक बार आप भी बनाइए, खाइए और अपने फैमिली को खिलाइए और टेस्ट करके हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको मेरा ये रेसिपी। फिर मिलेंगे एक नई डिलीशियस रेसिपी के साथ फ्रेंड्स, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स।